हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं जी गेम्स HD और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम खेलने वाले एक और नया PES 21 में से बिकम अ लेजेंड मोड का एपिसोड। तो इस एपिसोड की खास बात यह है कि भाई साहब, हम बार्सिलोना में तो आ चुके हैं और बार्सिलोना में आने के बाद सबसे पहले तो मैंने ट्राई किया है Jersey No. 7। तो आई होप मेरे को Jersey No. 7 मिल जाएगा। तो उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला मैच होने वाला है, वो होने वाला है जो इस भी टीम का, इसका नाम है, क्या नाम है ये, गिटाफ नाम की टीम है भाई। जो भी होगा नाम मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो अगर तब तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है मेरे डिस्कॉर्ड के सर्वर पे या फेसबुक के पेज पे या इंस्टाग्राम के पेज पे या फिर सेकंड चैनल पे, भाई कर क्या रहे हो तुम लोग। अगर पसंद आ रहे हो तुमको ये सब चीज़ें तो फटाफट नीचे जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट और मुझे फॉलो कर सकते हो। और इस वीडियो को फटाफट धमाकेदार लाइक कर देना ताकि नए पेज के जो एपिसोड है मैं जल्दी जल्दी लाते जाऊँगा। जितना जल्दी आप एपिसोड चाहते हो उतना जल्दी आप लाइक करें और कमेंट भी करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और शेयर भी किया करो यार इसे अपने दोस्तों के साथ जो कि फुटबॉल के ऐसे गेम प्ले देखना पसंद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, जितना ज़्यादा शेयर होगा भाई उतनी अच्छी बात है। और शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करें और मुझे नीचे कमेंट में लिखें कि आपको क्या लगता है बार्सिलोना मेरा आना सही रहा या नहीं रहा, तो वो भी हम डिसाइड कर लेंगे आज के मैच में। तो हियर वी गो, मैच हो चुका है शुरू। ओके गुड पास, लेकिन अब मैं जस्ट देखना है, चेक करना है कुछ एक मैचेस में कि बार्सिलोना कितना अच्छे पासिस जो है भाई सब देती है या नहीं देती है, वो हम चेक करने वाले हैं। लेकिन ऐसे और यहाँ पे थोड़ी सी कर दी हमने तबाही। ओके क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बॉल। ओ क्या बात है, स्टाइलिश पास और बॉल मिली है सेंटर में बिल्कुल खाली और पहला गोल। ये गोल वाकई जबरदस्त था, मतलब मैं क्या ही बोलूं इस गोल के बारे में। सेंटर खाली मिल गया था मुझे इसलिए गोल हो गया भाई साहब। लो हम इतना बड़ा गोल करने के बाद हम बूट पॉलिश कर रहे हैं भाई साहब, क्या ही बात है, बहुत शानदार। गोलकीपर सरप्राइज हो गया बिकॉज उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि विद इन 5 मिनट्स में ये बॉल यहाँ आ जाएगा और गोल स्कोर हो जाएगा। भाई बंदे ने क्या ही पास करा था जबरदस्त, और उसको लगा थोड़ा सर्कस वाला पास किया था मुझे ऐसा डाउट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं ऐसा लग तो रहा है मुझे, लेकिन देखते हैं। ये देखो पास तो करते जहाँ, देखो सेंटर खाली था दोनों डिफेंस के बीच में और टॉप कॉर्नर में ये बॉल गई और जबरदस्त गोल के साथ शुरुआत हुई हमारी। यहाँ पे पास देखो उसका, ओ भाई 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 बहुत जबरदस्त भाई, सीधा भी तो दे सकता था, कोई था ही नहीं वहाँ पे। लेकिन हमारे नेमेसिस के रेड कलर के शूज के साथ हमने कर दिया ये पहला आघात। जो भी टीम का नाम है मुझे नाम नहीं पता उस टीम का, अपोजिट की टीम कौन सी है यार ये। ओके फिर से अटैक पे, बहुत बढ़िया बॉल मेरे पास है और मुझे लगता है पीछे आने में भलाई है, पीछे आ चुके हैं हम। और ये ले बाबा बॉल, गुड बॉल शूट। अरे यार भाई मेरे, ओके यहाँ से गेट्स अटैक पे और क्या बात है, मेरा गोलकीपर तो झपटी पड़ा उसके ऊपर। कॉर्नर मिला यहाँ पे गेट्स को और मुझे लगता है कॉर्नर थोड़ा खतरनाक साबित तो हो सकता है, लेकिन क्या बात है बहुत ज्यादा डिफेंस यहाँ पे। ओके बॉल है हमारे पास, मुझे लगता है पीछे बुलाना चाहिए और क्या पूरी टीम है, देखो भाई ये कहाँ मार दिया यार, पूरी टीम थी डी बॉक्स के अंदर में। देखो बॉल मिली यहाँ पे मुझे, डिफेंस के साथ तीन और प्लेयर थे, मैंने बोला पीछे खींच लो बॉल और पास दो, इतनी बढ़िया बॉल और भाई ने कहाँ मार दी मुझे समझ नहीं आया, इतनी बाहर कौन मारता है यार। ओके ओ ये तो उन्होंने चांस छोड़ दिया, ये गोल हो सकता था यहाँ पे। काउंटर अटैक तो था लेकिन मुझे लगता है हाफ टाइम की विसल यहाँ पे हो जाएगी, शॉट में कुछ जान नहीं थे, शॉट में कुछ जान होती तो शायद गोल के अंदर चला जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक गोल की बढ़त है फिलहाल हमारे पास, जो कि अर्ली गोल स्कोर किया था हमने, जो कि काफी ताबड़तोड़ गोल बोल सकते हैं उसको, कि बहुत जल्दी जल्दी गोल करा हमने। ओके तो सेकेंड हाफ की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया पास के साथ हमने बैक पास किया था। ओके गुड बॉल, ओ भाई क्या बॉल मिली है, अरे अरे यार सेकंड गोल हो सकता, बहुत ही अच्छे बॉल है मेरे पास, मुझे लगता है पास देने भलाई है, लेकिन कुछ और ही कर दिया हमने, पास देने बोलने के चक्कर में शॉट ही दबा दिए शॉट। ओ ये कौन सा गोल था भाई, पूरी जनता शांत क्योंकि उनके होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं हम। और डिम्बाले नहीं भैया, दूसरा गोल मतलब पहला इसने पास किया था मेरे को और अभी गोल यहाँ पे स्कोर कर दिया है, लेकिन जनता की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है बिकॉज उनकी होम टीम पे गोल पड़ते जा रहे। ओ भाई स्लाइडिंग गोल कर दिया गया, जंप कर दिया उसने लास्ट में, मेसी का जबरदस्त क्रॉस। ओह सबने बॉल मिस किया और भाई ने क्लिक किया, ऐसी बात होगी यहाँ पे। ओके तो लास्ट के 3 मिनट बचे और बॉल मेरे पास मिल चुकी है, क्या गोल नंबर, अरे यार मेरे को गोल नंबर और मिला था 2 मिल सकता है भी, नहीं नहीं अब नहीं मिल सकता, और मैच यहाँ पे एंड हो चुका और
दो गोल हुए इस मैच में बार्सिलोना की तरफ से, एक किया हमने और दूसरा किया डिम्बाले ने, और बहुत ही बढ़िया 75 और 5 मिनट के बीच में ये गोल हुए थे और जबरदस्त एंड यहाँ पे मैच का। तो फिलहाल इससे हमारी रैंकिंग में तो ठीक ही रहेगा, तो फिलहाल तो बार्सिलोना सबसे ऊपर चले, लेकिन रियल मैड्रिड सिर्फ एक पॉइंट नीचे हमसे। अगर हमने एक भी मैच गलत करा यानी कि ड्रॉ किया या फिर कुछ और कर दिया तो फिर हो गया काम। तो विल्लियारियल के साथ ये नेक्स्ट मैच है, टीम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है वैसे, लेकिन आई होप सो हम कुछ अच्छा खेल लें। कैंप नाउ में मैच है, हमारे होम ग्राउंड में मैच है, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कोई बहुत आसान टीम है, टीम में बहुत टफ है इसमें। सो ये भी गो, मैच की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ से अब देखना है फर्स्ट हाफ में किसकी टीम गोल कर पाती है और नहीं कर पाती है। बहुत ही बढ़िया बॉल मिला तो है मुझे, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ से कुछ कर पाऊंगा। सेंटर में वापस बॉल देना ही भलाई है यहाँ पे, ओके और मुझे तो क्रॉस डालने में ठीक है। सेंटर में बॉल मिली है भाई, शूट मुझे दे दे। अरे यार बॉल तो मिली है क्या यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर चला गया, बढ़िया ट्राई थी लेकिन ऊपर चली गई यार। ये देखो बॉल तो बढ़िया थी और मैंने बनाई भी थी बॉल अच्छी, चेस पे पास कनेक्ट कर लिया था और लेकिन गोल ही स्कोर नहीं कर पाया। ओके फिर से डी बॉक्स के अंदर बॉल है और क्रॉस करने की ट्राई लेकिन बहुत ही खराब। फिर से बॉल डी बॉक्स के अंदर और इस बार फिर से बढ़िया क्रॉस और हेडर बहुत ज़्यादा खराब। भाई क्या ही किया यार, इतना बढ़िया बॉल दिया था। ओके तो फर्स्ट हाफ का यहाँ पे एंड हो चुका है विदाउट एनी गोल, दोनों टीमें निराश, लेकिन उन दोनों टीमों में हमारी टीम ज़्यादा निराश है बिकॉज हमने इतनी सारी ट्राई करी लेकिन एक गोल स्कोर नहीं कर पाए, तो वो बहुत ख़राब बात थी हमारे लिए। लेकिन विल्लियारियल के लिए तो काफ़ी अच्छी बात ही, एफर्ट भी नहीं लगाया और फिलहाल गोल भी नहीं पड़ा तो उनके लिए वो अच्छी बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम चाहते हैं गोल स्कोर हो। सेंटर में वापस बॉल यहाँ से विल्लियारियल की टीम अटैक पे, बहुत ही बढ़िया पास और मूव बन भी गया और गोल। और अब बार्सिलोना जो है सेकेंड हाफ में पीछे हो चुकी है और बार्सिलोना के जितने भी समर्थक थे वो सब शांत हो चुके हैं बिकॉज ये गोल हो चुका है और डिफेंस भेदी जो बॉल दिए गई है भाई यहाँ पे अब देखो। अरे यार कैसे, और वो भी गोल कीपर के स्ट्रॉन्ग साइड में जहाँ पे जंप करता है राइट हैंड साइड में वहीं पे गोल हुआ है, मतलब क्या बोलूं मैं, ये गड़बड़ हो गई। अब एक गोल अगर नहीं आया तो अब मुश्किल हो जाएगी, अब हम रैंक वन का जो पायदान है वो छोड़ना पड़ेगा हमको, अब नीचे आना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, अगर ये मैच ड्रॉ या हार गए हम तो। ओके फिर भी हम अटैक कंटिन्यू करते ही जा रहे हैं स्टार्टिंग। ओ फिर से बॉल हमारे पास ही है फिलहाल, बहुत बढ़िया बॉल हेडर और काफी बाहर। अब तुम जी जान से ट्राई कर रहे हैं कि गोल मिल जाए लेकिन ये ऑफसाइड है, ऑफसाइड। तो अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, एक गोल से ये मैच हार चुके हैं, वही होम ग्राउंड पे विलियर्स की तरफ से, मतलब ये जो गोल हुआ था पैको ने ये गोल किया था, लेकिन अब डिफेंस जो तक पूरा खुल चुका था हमारा पे, और मैंने आपको कहा अभी तक कि अगर हम मैच हारते हैं तो हम नीचे आएंगे, तो अब जो रियल मैड्रिड के पॉइंट्स हैं वो हो चुके हैं 50 और हमारे हो चुके हैं 48, तो हम एक पैदान बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है अगले मैचेस की तरफ में उसमें क्या होना। तो रियल सोसाइटी के साथ ये मैच है और आई होप सो हम ये मैच जीते हैं बिकॉज अगर हम ये मैच जीतेंगे तभी हम शायद रैंक वन की पोजीशन पे वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन ये है कि रियल मैड्रिड ने वहाँ पे कोई ना कोई मैच ड्रॉ खेलना चाहिए या फिर उन्होंने मैच हारना चाहिए, जिसके चांसेस मुझे काफ़ी कम दिख रहे हैं फिलहाल, लेकिन अब जो हो अच्छा ही हो। सो हियर वी गो, मैच शुरू हो चुका है। ओके बहुत ही बढ़िया बॉल, सेंटर से वापस बॉल दिया और मुझे लग रहा है ये गड़बड़ और पहला गोल। मतलब होम ग्राउंड में तो हार ही रहे थे लेकिन अवे खेलने में भी हमारी ये हार है तो पता क्या ही बोलेंगे। बहुत ही बढ़िया बॉल था यार और ये अर्ली गोल हुआ है हमारे ऊपर, बहुत ही अच्छे हमारे दोनों डिफेंस एक साथ में वहीं आपस में घूम रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। ओके अब अटैक तो कर रहे हैं हम और सेंटर में बॉल खड़ी हो चुकी लेकिन बॉल मिली नहीं। ओके अब फर्स्ट हाफ मुझे दिख रहा है यहाँ पे एंड होते हुए बिकॉज कोई गोल हुआ नहीं और हमने बॉल तो ली है लेकिन सोसाइडेड, रियल सोसाइडेड हो गई है, रियल सोसाइडेड ने एक गोल स्कोर कर दिया और हमको डेड ना कर दे, इसके लिए हमको दूसरे हाफ में गोल ढूंढना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो सेकेंड हाफ की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और एट एनी कॉस्ट हमको गोल चाहिए भाई साहब, क्या बात है। खराब पास और वापस हमारे पास बॉल है, बॉल आ चुकी है मेरे पास यहाँ से और गुड क्रॉस और ओ कम ऑन भाई, एक गोल चाहिए, पिछले मैच में भी यही हुआ गोल। ओ भाई फिर से अटैक पे, नो 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 नो, ओ कम ऑन, वेल इवन फॉर हिम कम ऑन। ओके अब बॉल है हमारे पास, अगर गोल नहीं हो रहा तो अब मर जाना पड़ेगा हमको। बहुत बढ़िया भाई, एटलीस्ट ड्रॉ हो गया,
एटलीस्ट इक्वल हो चुके हैं हम, ड्रॉ तो मैं वही बात की बात, लेकिन इक्वल तो हो चुके हैं, क्योंकि अगर एक गोल भी नहीं होता ना बहुत प्रॉब्लम आनी थी। ये बहुत बढ़िया पास था, अगर हमने नहीं मांगा होता ना थ्रू तो ये गोल नहीं जाने था किसी भी कंडीशन में। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। ये अगर नहीं आता अभी, ओ भाई उस प्लेयर को भी मुंह में मुझे लग रहा बॉडी पेक लग गया है क्या। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है जियो, एटलीस्ट इक्वल तो हो गया। ओके टाइम बहुत कम है और फिर से अटैक पे हमारी टीम, यहाँ पे क्या ये गोल स्कोर हो पाएगा। ओ कम ऑन, थ्रो इन तो मिला है एटलीस्ट हमारे पास, ये थ्रो इन भाई थ्रो कर दे अंदर। ओके गिव मी द बॉल, गुड बॉल लेफ्ट फुट से शूट, ओ क्या क्लोज था ये। अब ये लास्ट चांस है, अगर यहाँ बॉल नहीं हुआ ना गोल तो फिर हो गया काम खत्म। ओके भाई सेंटर में डाल दे बॉल अंदर, बहुत बढ़िया। और एडर नहीं यार, ओके भाई ले ले, अरे यार। तो एक एक गोल से ही मैच ड्रॉ हो चुका है, लेकिन हम फिर भी हैप्पी हैं एटलीस्ट ड्रॉ हो चुका है, बिकॉज मुझे तो लग रहा था कि हारने के चांसेस ज्यादा लग रहे थे, इतनी बड़ी टॉप की टीम थी हमारी और हारने के चांस आने वाले थे। लेकिन रियल मैड्रिड ने कोई मैच हारा नहीं और हम आ चुके हैं नंबर 3 की पोजीशन पे, और एटलेटिको डी मैड्रिड और रियल मैड्रिड हमसे ऊपर चल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो बड़ा लाइक मार देना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी एपिसोड लाऊं तो आपको पता है फिर क्या करना है।